जहां सीओ जैसे ही अपनी कोल्ड ड्रिंक शौक से अटैक करती है, जिसे देख करके डाई हुबिन का टीम का एक सीनियर काफी ज्यादा चौंक जाता है और सभी को केयरफुल रहने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि हुआ युहाओ और वॉर्म डाउन किसी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी फ्यूजन स्किल को इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से आसमान के अंदर एक लग्जरी ब्राइट आई अपीयर होती है, जो कि वॉर्म डाउन और हुआ युहाओ की एक नई डेवलपमेंट होती है। जब वॉर्म डाउन हुआ युहाओ को स्पिरिट फ्यूजन के दौरान हक कर रहा होता है, तो यह मन में कहता है, वैसे तो हम ऐसा अपनी स्पिरिट फ्यूजन को रिलीज करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों का एक दूसरे को हर बार हग ही क्यों करना होता है, और वर्ल्ड भी सभी के सामने। ये चीज सच में काफी एम्बेरेसिंग है। इधर स्पिरिट फ्यूजन को देखे मास्टर शैन काफी चौंक जाते हैं, और तभी उस लग्जरी बटरफ्लाई आई में से एक गोल्डन लाइट बाहर निकल के आती है और यह अटैक अपोनेंट टीम को पूरी तरीके से हिट करता है। और जब डाई हुबिन इस अटैक के लपेटे में आ रहा होता है, तब डाई हुबिन को आखिरकार सब कुछ समझ में आ जाता है क्यों हेडमास्टर यान ऐसा कहा था। इसके व्हाइट टाइगर के पास भी ऐसी पावर नहीं है जिससे कि यह हुआ युहाओ के फ्यूजन स्किल ब्राइट गोल्डन रोड के अटैक को रोक पाए। और तभी डाई हुबिन मन में कहता है, यह एक मेंटल टाइट स्पिरिट अटैक है, मेरी कॉन्सियसनेस जा रही है और मेरे स्पिरिट है जेम्स भी, और सब कुछ व्हाइट होता जा रहा है। और फिर हम देखते हैं कि डाई हुबिन और बाकी के सभी गोल्डन स्टैचूज में बदल गए होते हैं, और एक बार यह मिस्ट हट जाती है तो पूरा अरीना चमचमा रहा होता है। और इस मजाले को देख के टीचर बैंक के काफी तवेले वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहते हैं, ये तो काफी बढ़िया बात है जो ये लोग इतने ज्यादा लकी है, जो ये सिर्फ एक लम्हे में ही इतने सारे लोगों को हैंडल कर पाए। इधर टीचर वैन की लकी वाली बात को सुन के मास्टर शैन सोच में पड़ जाते हैं और यह मन में कहते हैं, ये परिणाम किस्मत से नहीं मिला है, ये काफी ज्यादा केयरफुल्ली सोची गई स्ट्रेटेजी है, इसके पास पूरी अच्छी तरीके से पकड़ है अपने टीममेट की स्ट्रांग और वीक पॉइंट पर, और यह इन सभी की कैपेबिलिटीज को भी काफी अच्छी तरीके से समझता भी है जो इनके अपोनेंट वो शुरुआत से ही इनके जाल में फंस गए थे, जो कि उसने ही उन सभी को धीरे धीरे करके इस रास्ते पर लाया और आखिर में एक झटके में ही हराकर सबको खत्म कर दिया। इन सब लोगों में कोई ना कोई ऐसा है जिसके पास स्ट्रेटेजी बनाने का एक नेचुरल टैलेंट है, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इस तरफ हुआ युहाओ राहत की सांस लेते हुए कहता है, बढ़िया हुआ, जो कुछ भी मुश्किल लग रहा था वो सब आराम से हो गया। और तभी बी कहता है, बहुत अच्छे, इस तरह से हम इन सेंचुरी के और भी ज्यादा करीब आ गए हैं। इस पर जू संशी कहता है, मेरे होते हुए यहाँ पर प्रॉब्लम कैसे होती। इस पर सीओ कहती है, हमारी क्लास प्रेसिडेंट तो सच में काफी अमेजिंग है और मैं अच्छे से जानती थी कि हम जीत जाएंगे। और इस तरफ केटू इस जीत के लिए काफी खुश होता है, जबकि वॉर्म डाउन भी खुश होते हुए मन में कहता है, अल्टीमेट मूव तो हमारा स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक थी। जबकि हुआ युहाओ कहता है, सभी ने बहुत बढ़िया किया। इस तरफ टीचर वांग अनाउंस करते हुए कहते हैं, यह मैच खत्म हुआ। बीबी, जू संशी, सीओ, केटू, हुआ युहाओ, वॉर्म डाउन, जे ननन, ये सभी ही पास है। इस चीज को सुनकर वॉर्म डाउन काफी खुश होता है और यह हुआ युहाओ की तरफ आते हुए कहता है, हुआ युहाओ बहुत अच्छे। इस तरफ एसक्यू संशी भी खुश होते हुए कहता है, हम जीत गए, ये बैटल तो सच में काफी अच्छी थी। लेकिन तभी अचानक से जिया मिनानन आके हुआ युहाओ को काफी जोर से हक कर लेती है और खुश होते हुए कहती है, मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि हमें हुआ युहाओ को उसकी स्पिरिट एबिलिटी के लिए धन्यवाद कहना चाहिए, जिससे हम बड़ी ही आसानी से जीत पाए। इधर इस मजारे को देख कर वॉर्म डाउन के तो होश उड़े हुए होते हैं, लेकिन एसक्यू संशी के तो आंखें ही बाहर निकल के आ जाती है और यह कहता है, जियांद नैनन, कही तुमने गलती तो नहीं कर दी ना, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और इस मजारे को देख के वॉर्म डाउन मन ही मन चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, जिसे ये सेलिब्रेट हग मिलना चाहिए था वो मुझे होना चाहिए था। जबकि जू संशी काफी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, हुआ युहाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। और इस मजारे को देख के मास्टर शैन भी परेशान हो जाते हैं और यह कहते हैं, ये बच्चे भी ना। और जू संशी चिल्लाते हुए कहता है, युहाओ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और तभी जियांद मैनन चिल्लाते हुए कहती है, एसक्यू संशी, अगर तुम मेरे छोटे प्यारे हुआ युहाओ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम्हें उससे पहले मुझसे गुजर के जाना होगा। और वॉर्म डाउन, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है। इधर हुआ युहाओ चिल्लाते हुए कहता है, मेरी तरफ इस तरीके से मत देखो। और तभी मास्टर शैन कहते हैं, छोटे बच्चों, तुम लोगों के लिए अच्छा होगा कि तुम मेरी बात सुन लो, मेरे पास एक अनाउंसमेंट है करने के लिए। तुम साथों अगले श्रेक 7 मॉन्स्टर्स होंगे और तुम लोग बैकअप टीम होंगे। अभी के 7 श्रेक मॉन्स्टर्स की तुम लोग इन लोगों के साथ मिलकर इस स्पिरिट टूर्नामेंट को ज्वाइन करोगे, जो कि स्कूल्स के हाई लेवल के स्पिरिट मास्टर्स के बीच में होगा। और जब ये साथो अगले 7 श्रेक मॉन्स्टर्स और हाई लेवल के स्पिरिट मास्टर्स की बात सुनते हैं,
तो ये सभी ही चौंक जाते हैं। तभी हम जू संशी को देखते हैं, जो कि जिंग नैनन से खाने पर चलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है और फिर बी हुआ युहाओ से कहता है, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। जिस पर हुआ युहाओ बताता है, मुझे मास्टर शैन ने पकड़ लिया था, जो कि उन्हें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था मेरी स्पिरिट एबिलिटी को देखकर। इस पर वोंडोन कहता है, बस इतना ही नहीं, मास्टर शैन के नजरों में अब तो तुम एक कीमती हीरे बन गए हो मुझे साइड में करके। और फिर वोंडोन आगे बताता है, जब मास्टर शैन को पता चला कि बैटल के अंदर सारी स्ट्रेटेजी हुआ युहाओ की थी, तो वो काफी ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने तो यहाँ तक कि इसे नेचुरल स्पिरिट मास्टर टैक्सेशन भी कह दिया। और तो और, मास्टर शैन ने हुआ युहाओ का काफी ज्यादा प्रशंसा की और जब उन्हें पता चला कि पूरी बैटल हुआ युहाओ की स्पिरिट एबिलिटी के द्वारा कंट्रोल की जा रही थी, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। और यहाँ तक कि अगर हमारा हुआ युहाओ गाय की तरह सीधा भी है, तो मास्टर शैन जैसे एक बड़े आदमी इसे अनंत प्यार करते रहेंगे। है, इस पर बी कहता है, बिल्कुल सही हुआ युहाओ, तुम्हारी एबिलिटी बस काफी अमेजिंग है और तुम्हारे ही एबिलिटी की वजह से हम फ्री फॉर ऑल बैटल के एम्बर विक्ट्री को हासिल कर पाए थे। तब जेंग नानन कहती है, हम सच में काफी खुशनसीब है जो तुमने वह किया। जिस पर हुआ युहाओ कहता है, नहीं, अगर आप लोगों ने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया होता, तो मुझे नहीं लगता कि हम उनसे इतनी आसानी से निपट पाते। और तभी एसक्यू संशी कहता है, बहुत हुआ, तुम दोनों चुप हो जाओ, हम सभी ही भाई है, तो हमें ऐसी बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और सुनो, हम श्रेक 7 डेविल्स की मेक्स जेनरेशन होंगे और चलो हम बड़े से छोटे की तरफ चले, बिल्कुल ओरिजिनल श्रेक 7 डेविल्स के जैसे। और इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? जिस पर हुआ युहाओ कहता है, ठीक है, ये सच में काफी अच्छा आइडिया है। इस पर बी कहता है, चलो मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं। तो जू संशी कहता है, चलो बड़े से छोटे के ऑर्डर में चलते हैं। और जू संशी के सजेशन पर सभी लोग सहमत हो जाते हैं नंबर कह के बुलाना। जिस पर जेंग नैनन कहती है, रैंकिन सेम है तो क्या पसंद भी सेम होगा, आप मुझे फोर्थ सिस्टर कह के बुला सकते हैं। जिसके बाद सीओ कहती है, मुझे नहीं लगा था कि हुआ युहाओ और वोंडोन के बीच में मैं ही सबसे बड़ी होंगी, तो फिर आप मुझे फिफ्थ सिस्टर कह के बुला सकते हैं। जिसके बाद सिक्स्थ ब्रदर हुआ युहाओ बन जाता है और सबसे लास्ट में वोंडोन सेवन्थ ब्रदर बन जाता है। और फिर हुआ युहाओ वोंडोन से कहता है, वोंगम, तुम मुझे बिग ब्रदर कह के बुला सकती हो। जिस पर वोंडोन चिल्लाते हुए कहता है, तुम कभी यह सोचना भी मत कि मैं तुम्हें बिग ब्रदर कह के बुलाऊंगा। और फिर बी कहता है, अगर तुम सभी लोग टाइम क्लाइम को ज्वाइन करते हो तो इस चीज की और भी ज्यादा मीनिंग बढ़ जाएगी। जिस पर जू संशी कहता है, मुझे ज्वाइन करने के लिए मैं तुम्हें पहले ही अपनी रिक्वायरमेंट बता चुका हूँ, इसलिए सबसे पहले जेंग नैनन से बात करो। और फिर बी यहाँ से जाने ही वाला होता है। डबी गेटू काफी खुश होते हुए इससे पूछता है, क्या मैं भी टैंक क्लैन को ज्वाइन कर सकता हूँ? और इस चीज को सुनकर बी खुश हो जाता है और यह मन में कहता है, केटू आई एक टैलेंटेड पर्सन है और अगर यह टैंक क्लैन को ज्वाइन करता है तो काफी बढ़िया रहेगा। और फिर बी खुश होते हुए इससे कहता है, हाँ बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, और चलो मैं तुम्हें अभी चल के टैंक क्लैन के लीडर से मिलवाता हूँ। और फिर हमें श्रेक अकेडमी के लीडर टैंगया के रेड हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ टैंगया बी और बाकी सभी को यहाँ पर आए हुआ देख काफी खुश होती है। और तभी हुआ युहाओ कहता है, सिस्टर टैंगया, आप काफी समय से मिले नहीं। इस पर टैंगया कहती है, आप सभी का स्वागत है रेड हाउस में, पर अब मैं स्कूल के बाद इस जगह को संभाल रही हूँ। और जब हुआ युहाओ सुनता है सिस्टर टैंगया यहाँ पर काम करती है, तो ये काफी चौंक जाता है। और फिर केटू इन्हें हेलो करते हुए कहता है, क्या यही टैंक क्लब की लीडर है? और वोंडोन कहता है, सिस्टर टांडिया की ड्रेस तो वाकई में काफी ज्यादा क्यूट है। और टांडिया को देखते ही जियांग नैनन इसको चिपके से किस करने लगती है और कहती है, मेरी टांडिया तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो। जिस पर टांडिया कहती है, जियांग नैनन तुम इतनी करीब नहीं आ सकती हो जब हम डोम के बाहर हो। जिस पर जियांग नैनन कहती है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा खुद पर काबू नहीं रहता है जब मैं किसी काफी क्यूट चीज को देखती हूँ तो। और इस तरफ जू संशी ड्रामा करते हुए कहता है, ये चीज मेरे लिए देखने में काफी काफी अच्छा लगता है और मैं इतनी प्यारी चीज होते हुए और ज्यादा नहीं देख सकता हूँ। जिस पर वोंडोन कहता है, सीनियर एसक्यू संशी, क्या आप थोड़ा और नॉर्मल हो सकते हैं क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गए हैं। और तभी टैंगया सभी को सीट पर बैठने के लिए कहती है। इधर वोंडोन पूछता है, ब्रदर बी कहा गया? और तभी हुआ युहाओ पूछता है, सिस्टर टैंगया, आपने यहाँ पर काम करना शुरू क्यों कर दिया? जिस पर टैंगया बताती है, टैंक क्लैन के लीडर के रूप में मुझे इन प्लान के फाइनेंस को भी मेंटेन रखने की जरूरत है, और तो और यहाँ पर काम करना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस चीज को सुनकर वोंडोन काफी खुश होता है और कहता है, लीडर सच में काफी कूल है। इधर हुआ युहाओ मन में कहता है,
ऐसा लगता है कि सिस्टर टैंगिया ऐसी मुश्किलों का सामना कर रही है जिनका हमें कुछ भी पता नहीं है, और तभी बी यहाँ की यूनिफॉर्म पहन के आ जाता है जिसमें ये वाकई में काफी स्मार्ट लग रहा होता है, और आते ही इन सभी से पूछता है क्या कोई कुछ खाना चाहता है, और तभी कोई कहता है बी की तरफ तो देखो और यह कितने ज्यादा कूल लग रहे हैं और मैं भी इनकी तरह बनना चाहता हूँ। और तभी जियांग नैमन कहती है ये तुम्हें सच में सूट करता है, और इस तरफ सीओ कहती है सीनियर ब्रदर आप काफी ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं। इस पर बी कहता है यहाँ पर हमारे कुछ नए डेजर है और मैं यह आप सभी को ही देता हूँ, और बिना शर्माए इन्हें ट्राई करके देखे। और इन्हें देखकर वॉमडोंग कहता है ये तो प्रिंसेस गोल्ड ग्रीन फॉरेस्ट है ना, ये तो काफी ज्यादा पॉपुलर है। और सीओ कहती है मैं हमेशा से ही इन्हें ट्राई करना चाहती थी। और फिर जियांग नैमन कहती है मेरी बात की जाए तो मेरे पास तो पैसा ही नहीं थे इन्हें खाने के लिए। इधर सीओ इसे खाकर कहती है इसका टेस्ट तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, जबकि जियांग नैमन की तो इसका टेस्ट करके बोलती बंद हो जाती है, और यह खाला वॉमडोंग को अभी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो हुआ युहाओ इसे कहता है आखिर तुम क्या खा रहे हो वॉमडोंग, ये तो लड़कियों के लिए था ना। और इस बात को सुनते ही वॉमडोंग चौंपते हुए कहता है हुआ युहाओ तुमने अभी क्या कहा। और फिर हुआ युहाओ कहता है सीनियर बी आपने भी यहाँ पर काम करना क्यों शुरू कर दिया, जायज की वजह सिस्टर टान दिया है। जिस पर बी कहता है मैं तो बस इस यूनिफॉर्म को ही पहनना चाहता हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पर काम करने लगा, और तो और यहाँ पर काम करने से खर्च करने के लिए थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते हैं। और इस बात को सुनकर टैंग या मन में कहती है बी यहाँ तक कि अगर तुम इस बात को मानते भी नहीं हो तब भी मैं साफ साफ जानती हूँ क्योंकि तुम्हें भी इस बारे में चिंता है, इसलिए ही तुम मेरे साथ यहाँ पर आए हो। और तभी बी टैंग या को बाहू में भर के फ्लप करते हुए कहता है बिल्कुल मेरे पास और भी इरादे हैं, आखिर कौली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादा समय स्पेंड नहीं करना चाहेगा। तो इस पर टैंग या कहती है बी आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो सबके सामने, और तुम इन बच्चों को बुरी चीजें मत सिखाओ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।